हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ेंगे कक्षा 2 की, जिसका नाम है व्याकरण उपवन। चलिए पुस्तक खोलते हैं स्टूडेंट। अब आज हम करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 9, द्वितीय सत्र, पाठ्यक्रम आरंभ, इसका पहला अध्याय। पार्ट 9, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। ये विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 40। चलिए बच्चों, आपने पढ़ा कि सभी के कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं, उसी प्रकार सभी की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। आओ चित्रों के माध्यम से समझे। लाल फूल, छोटा बच्चा, सुंदर घर, बूढ़ा आदमी, 5 चिड़िया, मोटा मेंढक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने, आपको तो ये पता होगा कि हर चीज़ों के नाम होते हैं। ये चीज़ तो आपको पता है कि बिना नाम के कोई भी चीज़ वस्तु कुछ भी नहीं है। तो और सभी की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। बच्चों, आपने देखा और पढ़ा कि सभी रंगीन शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जैसे लाल शब्द फूल की, बेटा छोटा शब्द बच्चे की, सुंदर शब्द घर की, बूढ़ा शब्द आदमी की, 5 शब्द चिड़िया की, मोटा शब्द मेंढक की। विशेषता बताने वाले ये सभी शब्द विशेषण हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कि जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों की, उन्हें विशेषण कहते हैं। इन्हें सरलता से समझने के लिए कैसा है तथा कितना है प्रश्न किए जाते हैं, जिनसे विशेषता प्रकट होती है। फूल, आओ जाने फूल कैसा है, लाल। बच्चा कैसा है, छोटा। घर कैसा है, सुंदर। आदमी कैसा है, बूढ़ा। चिड़ियाँ कितनी है, 5। मेंढक कैसा है, मोटा। आपने समझ लिया कि सभी की कुछ ना कुछ विशेषता है, अतः हम कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये कॉपी में करना है। ये विशेषण की परिभाषा है। ये कक्षा कार्य है आपका। ओके, नेक्स्ट हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। एंड वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स की, और बेल आइकन को भी क्लिक करना। ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।